हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ की संस्कृत का पार्ट छः पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः पार्ट छः, प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नो मीन्स होता है कोशिश और विधेय मीन्स होता है करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो उस काम में हम अवश्य ही सफल होंगे। आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 20 पर। रवि, रवि और श्याम, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। रवि रवि बोलता है, श्याम ऐसा अति गभीरा नदी। श्याम, यह बहुत गहरी नदी है। अति गभीरा मीन्स बहुत गहरी। नद्याम अपारम जलम अस्ति, मम च भ्राता मोहन तरति। श्याम को रवि बोल रहा है कि यह बहुत गहरी नदी है और नदी में अपार जल है। अपार मीन्स बहुत सारा जल है, पानी है, और फिर भी उस नदी में मेरा भाई मोहन तैरता है। श्याम बोलता है, नद्या मोहन कथम तरति, नदी में मोहन कैसे तैरता है। तरणम तो अति कठिनम, तैरना तो बहुत कठिन है। सह अपारे जले कथम न मज्जति, वह इतने सारे पानी में डूबता कैसे नहीं है। मज्जति मीन्स होता है डूबना। तो श्याम बोलता है कि वह कैसे तैरता है और इतने सारे पानी में वह डूबता नहीं है क्या। रवि कहता है, त्वम उचितम वत्सि यत् तरणम् अति कठिनम्। तुम सही कहते हो कि तैरना बहुत कठिन है, किंतु मोहन तरणस्य प्रयत्न करोति, लेकिन मोहन तैरने की कोशिश करता है। अतः सह न मज्जति, इसलिए वह डूबता नहीं है। प्रयत्न कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, कोशिश करने से जो कठिन काम होते हैं वे भी सरल हो जाते हैं। यथा जैसे कि प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः, कोशिश करने से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः, हमारा जो भारत देश है वह कोशिश करने से ही पराधीनता के बंधन से मुक्त हुआ था। मीन्स जब गुलामी अंग्रेजों का गुलाम था भारत, तो जिन्होंने जो राष्ट्रभक्त थे उन लोगों ने कोशिश की थी तो ही हमारा देश आजाद हुआ था। प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति, कोशिश से ही लोग ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई कर सकते हैं। आरोहणम मीन्स होता है चढ़ाई करना। प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायां अधिकान अंकान प्राप्नोति, और कोशिश करने से ही जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वे परीक्षा में ज्यादा अंक से पास होते हैं या अधिक मार्क्स लाते हैं। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः, इसलिए हमें भी बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अध वयं पाठे पठामः, कोशिश करने से लोग क्या क्या कर सकते हैं आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ऐसा रवि बोलता है। अब देखिए पेज नंबर 21 पर आइए। कुछ श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताया है कि कोशिश करने से हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है, प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धिर्वृद्धिर्जनानां, कोशिश करने से लोगों को कार्य में सफलता मिलती है और कोशिश करने से ही अच्छी बुद्धि में वृद्धि होती है। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याजनाना, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः, कोशिश करने से ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः
पंक्ति प्रयत्नों विधेय प्रयत्नों विधेय कोशिश करने से ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं विशेष बुद्धि वाले लोग होते हैं वे आसमान में उड़ सकते हैं और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कोशिश करना चाहिए। कठोर प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति प्रयत्नाद् साध्यं भवत्येव साध्यं। कठोर परिश्रम का कठोर कोशिश करने से मीन्स ज्यादा कोशिश करने से मनुष्य कोमलता को प्राप्त होता है। जो कठोर जिस मनुष्य में अच्छे गुण नहीं होते हैं तो अगर वह व्यक्ति भी कोशिश करे तो वह अच्छा बन सकता है और असाध्य भी साध्य हो जाता है। असाध्य का मीन्स होता है जो कठिन कार्य होते हैं वे भी सरल हो जाते हैं। प्रयत्नाद् योग्याः सुयोग्याः भवन्ति प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अयोग्य भी योग्य हो जाता है कोशिश करने से इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयत्नेन मुक्तिश्रिताः भारतीयाः प्रयत्नेन ऋद्धि गताः भारतीयाः। कोशिश करने से ही मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता। कोशिश करने से ही भारतीयों को स्वतंत्रता मिली और कोशिश करने से ही भारतीयों को वैभव प्राप्त हुआ। प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः और कोशिश करने से ही भारतीय पूरे विश्व में प्रिय हो गए पूरे विश्व के प्रिय बन गए। प्रयत्न